हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं एक और नई ड्रैग रेस लेके आपको, और आज की ड्रैग रेस आप सभी के लिए मोस्ट अवेटेड होगी, क्योंकि आज एक गाड़ी देख पा रहे हो आप फ्रेम में, ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड कार्स थी। इतनी रेयर गाड़ी है, लिमिटेड यूनिट्स आई थी इंडिया के लिए, मतलब इतनी ज़्यादा एडवांस गाड़ी थी, इतनी ज़्यादा प्राइजी गाड़ी थी, मतलब बहुत महंगी थी ये गाड़ी उस टाइम पर। आज से ये मान लो 10-11 साल पहले ये 19 लाख रुपये की आती थी। डी सेगमेंट सेडान है ये, एंड ये हर एक कार एंथूजियास्ट का ड्रीम है लेजिट। पर उस टाइम पे इतनी प्राइजी थी और बहुत लोगों ने नई ली थी, कुछ वापस भी चली गई थी, कुछ डिस्काउंट पे भी बिकी थी। बट आज बहुत मुश्किल से हमने अरेंज कर ली है। ये है मारुति सुजुकी किजाशी, 2.4 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आती है, मैनुअल गेयरबॉक्स है, दूसरी तरफ है वर्ना टर्बो, जो आज के टाइम पर एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस सेडान है, जिसने वर्टस जीटी, जो फोक्सवैगन की एक परफॉर्मेंस सेडान आती है, और जर्मन्स को ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है एज़ कम्पेयर टू कोरियंस या जापानीज। बट आज दोनों ही फ्रेम में ऐसी गाड़ी है जिन्होंने वर्टस जीटी को हरा रखा है, चाहे वो वरना हो चाहे वो किजाशी हो, दोनों ही वर्टस को हरा देती है, ये उनमें कॉमन है। ये नेचुरली एस्पिरेटेड है, वो टर्बोचार्ज है, 1.5 लीटर के 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन के साथ आती है, और 6 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स आता है। बट जो किजाशी है उसके अंदर लगा हुआ है कैटबैक एग्जॉस्ट, वरना में भी कैटबैक एग्जॉस्ट है, बट एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो है कोल्ड एयर इनटेक फ्रॉम बीएमसी। बाकी मैं अब दोनों ओनर्स से मिलवाता हूँ आपको, दोनों ही गाड़ियों के, और फिर उनसे उनकी पावर स्पेक्स पूछते हैं कि भाई कौन किसकी गाड़ी कितनी पावर प्रोड्यूस करती है। तो हमारे फ्रेम में अब आ गए हैं दोनों ही गाड़ी के ओनर। शुभम भाई, कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आप बताइए। बहुत बढ़िया भाई, हमारे किजाशी के ओनर शुभम भाई। कितने साल पुरानी गाड़ी है भाई? ये है 11 साल पुरानी गाड़ी। 11 साल पुरानी गाड़ी, 2.4 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ, 180 bhp 238 Nm का टॉर्क। और तुषार भाई, आपकी है 4 महीने पुरानी गाड़ी, 1.5 लीटर टर्बो, कैटबैक एग्जॉस्ट दोनों की गाड़ियों में, आप दोनों के, आपके वाले में वेल्वेट्रॉनिक और आपके वाले में कोल्ड एयर इनटेक है, एयर फिल्टर बीएमसी का सीडीए। अब आफ्टर एवरीथिंग क्या पावर प्रोड्यूस कर रही है? कंपनी क्लेम कितना है? 1500 किलो। और आपकी गाड़ी का? 1250 या 1230 मान लो। चलो तो मतलब 300 किलो समवेयर क्लोज टू, वरना हल्की है भाई। कितने गैप से जीतोगे? ये तो ऑब्वियस चीज है, ऑब्वियस चीज है। बट हाँ, ये है एक चीज कॉमन है, जैसे मैंने सबको बताया, मेरे ख्याल से एक दो गाड़ी रोलिंग में टक्कर बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि रोलिंग में हमारा टर्बो है, थोड़ा सा टर्बो लैग आता है। हाँ। गाड़ी है, वो एकदम से पकड़ लेगी अपना कुछ। मेरे को वैसे वीडियो में आप बन तो चुके हो आप। हाँ। आपको देखना है कि किजाशी कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है इस 11 साल 11.5 साल बिल्कुल, बाद। बिल्कुल। पता है वरना नहीं जीतता, वरना आज की किंग है इस टाइम पे। हाँ। सेडान सेगमेंट में, इसमें ऑल द सी सेगमेंट से गया है, बट एक उसका रिव्यू जो आपको मिलेगा ना, वो देखने लायक होगा कितनी पकड़ पाती है नहीं पकड़ पाती भाई। आउट ऑफ बोथ द कार्स मैं तो आज भी किजाशी घर लेके जाना चाहूंगा भाई, वो लेजेंडरी गाड़ी है, वो लेजेंडरी गाड़ी है। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं राउंड वन, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट रहेंगे। भाई क्या लॉन्च हुई है, ओए ओ भाई, टॉल गेट है ना, और स्प्लिट सेकंड आई थी। अब जब भी कितने पे, 130 पे तो बहुत आ गया, काफी गैप पर आ गया, दो तीन गाड़ी का गैप बन गया। हाँ, अच्छा खासा गैप बन। लॉन्च काफी अग्रेसिव हुआ था भाई, टिल 50-60 हम साथ रहे थे। हाँ, एक एक झटके के लिए वो आगे भी गए थे, एक झटके के लिए। वो गियरिंग का वो होगा भाई, टॉल गेट है ना वो, एनए है वो, एनए गाड़ी का यार, वही तो फायदा है एनए गाड़ियां लॉन्च एकदम प्यार से होती है। वो सिटी वाला होता था ना, सिटी वाला टर्बो वाले गियर शिफ्ट करते थे, हम उसी गियर को चलते रहने देते थे। ये भी जापानीज 2.4 लीटर एनए इंजन भाई, 2400 cc 180 bhp एनए के भाई, दिखते तो हैं। हां, वो जीत ये रही है, वेट का भी फर्क आ गया, बट बिल्कुल भाई कातिल मजा आ गया। हाँ, लॉन्च परफेक्ट हुआ था ना, दोबारा करना है ट्रैकिंग, ठीक है। हाँ हाँ, यहीं से टीन ऑन। वो भाई उसके पीछे बीच पे, मतलब वो टायर स्मोक निकला भाई, भाई कैसी लॉन्च होती है वो, कातिल लॉन्च होती है एकदम। गैप तो ज्यादा बनता ही जा रहा है। हाँ,
ड्रैग में तो फिर ये मिड काफी स्ट्रांग है ना, बिल्कुल रोलिंग करते हैं भाई, वही है इको में भी जीत जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। तो अभी तीसरा ड्रैग कर ले या रोलिंग कर लेना? नहीं, रोलिंग ही कर लो, इको में फायदा नहीं है यार। अच्छा चलो फिर रोलिंग करते हैं। हाँ रोलिंग करते हैं, भाई को बोलते हैं भाई रोलिंग ही करो। वैसे तो रोलिंग में भी आप दे दो क्योंकि आपकी टर्बो है। नहीं लेकिन नए गाड़ियों का मेड एकदम थोड़ा अच्छा होता है ना। ये क्या हुआ, फोन गिर गया भाई? जान है भाई गाड़ी में कुछ। बहुत बढ़िया पिकअप, बहुत बढ़िया। अब लेकिन यार आपकी गाड़ी व्हील स्पिन मार रही है, मेरी मार नहीं रही इतनी ज्यादा। धुआं निकाल दिया इस बार आपने। या तो वो चक्कर क्या है ना, मेरे टायर भी अभी नए नए हैं तो आपके थोड़े घिस रखे हैं इसलिए वो हो रहा होगा, ग्रिप लूज कर रही है। हो सकता है। काम करते हैं, मेरे को जो जीतेगी तो वही खैर। अब रोलिंग करते हैं यहाँ से। हाँ रोलिंग करते हैं, ठीक है। और रोलिंग कितने पे करेंगे? फर्स्ट गियर 20 कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम सेकंड गियर करेंगे तो उस पे तो आपका एनए इंजन ना दब जाएगा। फर्स्ट ही करते हैं ना, एग्रेसिव रहेगी गाड़ी, मैक्सिमम पोटेंशियल भाई रोलिंग। ठीक है, जीत गई की चाची, जीत गई, जीत गई की चाची। ओ भाई ठीक है भाई, हार गया तू। अरे बड़ा फनी हो रहा है यार, आपकी गाड़ी झटके मार रही है, मैं सोच रहा हूँ भाई ब्रेक ले रहे हैं, अब फिर इस बार लॉन्च हो ही सेकंड अटक गया। आ जाओ आगे से कर लेते हैं, यहीं से कर लो, यहीं से कर लेते हैं। चलो आ जाओ। हाँ कोई नहीं, लोग भाई दोबारा कर रहे हैं। नहीं भाई जीत गई की चाची, रेडी है ना भाई? अब ठीक है, जाती वो भाई जाती, एक बार तो झटका लेती है वो आगे। अभी भी तू झटका 100 पे निकला है, 100 पे निकला है। अरे तो भाई टक्कर तो दी है भाई यार, मैंने भी तो है 100 पे निकला। थर्ड गियर पे ले ले अभी। हां थर्ड का मिड तो स्ट्रांग है ही, वरना अब क्या करें, सेमी मैक्सिमम मेरे को या कुछ करें, कुछ छेड़खाने। देखो वेट एडवांटेज तो हमने भी थोड़ी कर रखी है कि जैसे हम दो बंदे हैं और भाई में एक बंदे हैं। हाँ अब क्या करें, ल्यूटन लो पहले तो ले जा रही है। हाँ इनिशियल अच्छा होता है ना इन्हें गाड़ी का, 100 तक आगे है। अब क्या मैं एसी ऑन कर लूं? एसी ऑन, ठीक है एसी ऑन कर लेता हूँ। दिखा दो तीसरे भाई। हाँ एसी ऑन मोड में इको रख दूँ क्या? इको कर ले, नहीं मिनिमम कर दिया ना जब, तो ट्रैक्शन ऑफ ही है। अच्छा। एक रोलिंग कर लेते हैं मिनिमम पे है। और एक वो ड्रैग भी कर लेंगे, अभी रोलिंग लेने की लंबा पैच है ना, आप मैक्सिमम ही रखो ठीक है, वही फर्स्ट गियर 20। आ जाओ चलो गाइस, इको मोड एसी ऑन मिनिमम पोटेंशियल पे अपनी वरना रोलिंग। हाँ रोलिंग कर रहे हैं चलो जी। चलो क्या अब 98 से पहले जा पाएगा तू? 98 तो 100 120 पे आ गया, फर्क आया यार। इको मोड ऐसी होना दबती है, यार टर्बो गाड़ी है। टाइम लगा बट जैसे समझ लो पहले हमने 98 टू 100 पे कवर करा था, इस बार 120 पे करा है, फर्क तो आया एसी ऑन है इको मोड से। बट फिर अगर वही बात करो तो पोटेंशियल इसका है यार वरना का। अब रोड ड्रैग कर लेते हैं लास्ट उधर लियो, अब मिनिमम पोटेंशियल पे ड्रैग करोगे? इको पे है गाड़ी, इको पे है, ट्रैक्शन ऑफ रहेगा क्योंकि वरना बॉक डाउन ले लेगी गाड़ी, और एसी ऑन और वेंटेड सीट ऑन है। ठीक है भाई ट्रैक्शन ऑफ ही रखना पड़ेगा यार। तो गाइस ड्रैग का राउंड लास्ट करने जा रहे हैं, ये इको पे तो जल्दी निकल गई, पता नहीं जल्दी निकल गई इको पे क्या
मतलब इको मोड तेज है होंडा का, कर लो ब्रेक ऑन जल्दी निकल इको पे। मैं भी कुछ लॉन्च में मैसअप हुआ बट इको पे जल्दी निकली। क्या करना है कंक्लूड कंक्लूड भाई इस बार क्या हुआ? हाँ शिफ्टिंग में तो कोई खैर कोई दिक्कत नहीं रही, मेरा लॉन्च में ज्यादा व्हील स्पिन ले गई। अच्छा व्हील स्पिन ले गई, व्हील स्पिन ले गई उस चक्कर में, इसलिए थोड़ा बहुत पीछे रह गई। दोबारा तो नहीं करना, सबको रिजल्ट्स पता है। अच्छा सब चीजों में पता है। अब ये है कि आज के टाइम पे एक ये वरना है, और मैं वही बता था कि वरना ले सकता है बंदा, वरना वर्टस आज के टाइम में गुड कार्ड है, अच्छी है। 19-20 का फर्क है फील्ड में जो भी आता है। वर्टस का हो सकता है बुढ़ापा अच्छा ना हो, क्योंकि जर्मन है, जर्मन का बुढ़ापा किसी ने देखा, और जो देखा है लॉरा का देखा, स्कोप का देखा है। ये है कि हुंडई थोड़ा सा एक इलेक्ट्रिकल्स में थोड़ा इशू आता है जो बुढ़ापे में। अब इसका बुढ़ापा हो सकता है अच्छा हो, जर्मन से तो कैसे अच्छा ही होगा, रीसेल वैल्यू मिल जाएगी अच्छी खासी। सो गाइस सारे राउंड देखे आपने हमारे वरना वर्सेस किजाची के, एंड भाई क्लियरली वरना ही जीत गई। हमें उम्मीद भी वही थी कि वरना ही जीते, क्योंकि भाई नई गाड़ी है, टर्बो चार्ज्ड है, पावर में काफ़ी अच्छी है, एंड किजाची ने भाई बट दिल जीत लिया कसम से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।